हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग की दाल का बहुत ही आसान सा और टेस्टी हलवा की रेसिपी। ये देख लेते हैं हलवे की रेसिपी। मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब मूंग दाल। आप इसकी जगह पे आप कोई भी कटोरी या कप से इसे नाप के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है और इसे हमें बहुत ही अच्छे से पहले धो लेना है। तो पहले मैं इसे धो लेती हूँ और यहाँ पर मैंने दाल को धो लिया है और धोने के बाद एक छलनी में इसे डाल दिया है और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो दाल में पानी है वो बहुत अच्छे से दाल अब्सॉर्ब कर लेगी। या फिर इस दाल को आप किसी टॉवल पर भी रखकर इसे पोंछ सकते हैं किसी कपड़े पे, जिससे कि दाल हमारी सूख जाए। मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ, मैं इसे कपड़े से नहीं पोंछ रही हूँ। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मूंग दाल को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पूरी तरह से सूख गई है। इसमें जो पानी था वो दाल ने अब्सॉर्ब कर लिया है तो हमें इसे पोंछने की जरूरत नहीं पड़ी 10 से 15 मिनट रखने के बाद। और अब चलते हैं इन्हें ड्राई रोस्ट करने के प्रोसेस में। मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और ये धुली हुई जो दाल है इसमें डाल देते हैं और उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए और लगातार चलाते हुए दाल को हम भून लेंगे। तो अभी हम इसमें घी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी तरीके से इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। और भूनते भूनते दाल हमारी बिल्कुल खिली खिली सी हो जाएगी। अभी ये आपस में चिपक रही है और जैसे जैसे भून जाएगी ये वैसे वैसे ये खिली खिली हो जाएगी, चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर दाल हमारी धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो रही है। बस इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कहीं से दाल जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। अच्छे से भून लेंगे इसे इस तरीके से और ये खिली खिली भी हो गई है, आपस में अब चिपक नहीं रही है। और यहाँ पर हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है। बस इसे इतना ही ड्राई रोस्ट करना है। इस टाइम पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो दाल है किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अगर हम कढ़ाई में छोड़ेंगे दाल हमारी जल जाएगी, तो मैं इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल को एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो ये दाल है बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अगर आपको बहुत ही जल्दी हलवा तैयार करना है तो इस तरीके से आप दाल को पहले ही रोस्ट करके रख लें किसी एयर टाइट कंटेनर में और उसके बाद जब भी हलवा बनाना हो तो इसे ग्राइंड कर लें और फटाफट हलवा तैयार कर लें। तो इस दाल को मैं अब ग्राइंड कर लेती हूँ ग्राइंडिंग जार में डाल के। दाल को डाल दिया है मैंने ग्राइंडिंग जार में और इसे दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं तैयार करेंगे, इतना कि हाथों में चुभे इतना हमें इसे पीस कर तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने ये दाल पीस कर तैयार कर ली है। तो इस तरीके की दाल हमें तैयार करनी है। दाल ऐसी होनी चाहिए कि हाथों में इस तरीके से अगर हम लें तो ये चुभे हाथों में। और ये इस दाल को आप चाहे तो स्टोर करके भी रख लें पीस के, ताकि जब हलवा बनाना हो तो फटाफट हलवा तैयार कर लें। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और यहाँ पर ली है मैंने सेम कढ़ाई जिसमें कि हमने दाल को रोस्ट किया था और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बिना ड्राई फ्रूट के ही इसे बनाने वाली हूँ क्योंकि मूंग का दाल का हलवा तो बिल्कुल ऐसे ही टेस्टी लगता है। अगर आप डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और घी यहाँ पर गर्म हो गया है तो इस घी में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब सूजी। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने सूजी डाल दी है, साथ में 1 बड़ा चम्मच ही इसमें डाल देंगे बेसन। ये मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया। दोनों चीजों को घी के साथ भून लेंगे। तो 1 मिनट के करीब दोनों चीजों को हम भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने अभी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ही घी लिया है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम घी का यूज करेंगे। अच्छे से भून लेंगे सूजी और बेसन के भूनने तक। और 1 से 1.5 मिनट के करीब मैंने यहाँ पर सूजी और बेसन को भून लिया है घी के साथ। अब इसमें हम डालेंगे दाल वाला पाउडर जो हमने बना के तैयार किया हुआ था। ये और इसे हमें भूनना है घी के साथ बहुत अच्छे से, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक। तो यहाँ पर अच्छे से इसे कि जो लम्स पड़े हैं गुठलियां पड़ी हैं वो तोड़ लेना है इसे इस तरीके से। और गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हमें घी के साथ भूनना है। और ये देखिए दाल को भूनते भूनते यहाँ पर दाल का कलर काफी चेंज हो गया है। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे दाल को भूनते हुए। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है मैंने क्योंकि मूंग का दाल का हलवा
लो फ्लेम पे ही अधिकतर बनता है, इसे हम फुल फ्लेम पे नहीं बना सकते, नहीं तो ये जल जाएगा और कोई टेस्ट नहीं आएगा हलवे में। तो दाल यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गई है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो एक कप के करीब पानी डालेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है यहाँ पर मैंने। और मिला लेंगे, पानी डालने से दाल जो हमारी है बहुत अच्छे से फूल जाएगी क्योंकि हमने पहले दाल को नहीं भिगोया है पानी में। और ये देखिए दाल हमारी अच्छे से फूल गई है और ज्यादा इसमें गुठलियां भी नहीं पड़ी है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो यहाँ पर मैं अब डाल लेती हूँ इसमें दूध। तो यहाँ पर मैं 4 कप के करीब दूध डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। पहले हम इतना दूध डाल के मिक्स कर लेते हैं। लो ही रखना है गैस के फ्लेम को। और यहाँ पर 1 कप दूध डाल के मैंने इसे मिला लिया है अच्छे से और इसमें हम 3 कप दूध और डालेंगे। तो टोटल 4 कप के करीब यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। और ये यहाँ पर मैंने टोटल 4 कप के करीब दूध डाल दिया है। और अब इस हलवे को हमें लो फ्लेम पे पकाना है और ये इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए पकाना है। कढ़ाई में नीचे तले तक जाके हमें स्पैचुला चला लेना है ताकि जो हलवा है नीचे कढ़ाई में चिपके नहीं बिल्कुल भी। और पूरा ड्राई होने तक, हलवे की कंसिस्टेंसी आने तक इसे हमें पकाना है। और यहाँ पर ये मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है और इसके अब छींटे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे इस तरीके से कवर करके हम इसे भूनेंगे ताकि इसकी छींटे बाहर नहीं आए और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हमारा ये हलवे का मिक्सचर काफी थिक हो गया है, ये देखिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ घी, तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि घी हमने अभी तक यूज नहीं किया है। 2 से 3 टेबलस्पून ही शुरू में यूज किया था, बीच में हमने घी बिल्कुल नहीं डाला है। तो इस तरीके से हम इसे घी डालते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। तो जरूरत के अनुसार इसमें हम घी का यूज करेंगे। और इसे हमें भूनते हुए और भी इसे थिक करना है। और घी डालने के साथ साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। तो 1 कप के करीब यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। आप इसे 1.5 कप भी डाल सकते हैं, 2 कप भी डाल सकते हैं। तो अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर चीनी लेनी है, जैसा भी आपको मीठा पसंद है। और इसे हमें मिला लेना है अच्छे से। और यहाँ पर जो मैंने चीनी डाली थी हलवे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब इसमें हम देसी घी और डालेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब और इसमें घी डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं ये घी डाल दे रही हूँ इसमें। घी डालने के बाद साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। और मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे हलवे को। यहाँ पर लास्ट में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब घी और डाला है और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल हलवे की कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। तो इस हलवे को बनाने के लिए घी आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना घी यूज करते हैं। और इस हलवे में अच्छा सा कलर लाने के लिए आप चाहें तो इसमें केसर वाला थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, जिस टाइम हमने दूध डाला था उस टाइम पर। तो 10 धागे केसर के डाल के इसमें डाल दीजिए ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। या फिर इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अच्छे कलर के लिए, या फिर ऐसे इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं तो इस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे मूंग की दाल के हलवे का टेक्सचर। तो इसमें घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है इस हलवे को बनाने के लिए, तभी हलवा बहुत ही मजेदार सा बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया सा हलवा बन के तैयार हुआ है। और दानेदार है ये हलवा क्योंकि हमने मूंग की दाल को भी बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया था और साथ में इसमें हमने सूजी डाली थी, उसकी वजह से ये हलवा हमारा दानेदार सा बना है। तो मैं इसे बस थोड़ा सा और पकाती हूँ। तो 8 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर घी का यूज किया है मैंने इसे बनाने के लिए, 1 कप से थोड़ा सा कम, तभी हमारा ये मजेदार सा हलवा बना है। ये देखिए इसका टेक्सचर। और यहाँ पर मैंने इस हलवे के मिक्सचर को 5 मिनट और पकाया है और ये अब हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, ये देखिए।
इस तरीके से आप मूंग की दाल का हलवा जरूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि मूंग की दाल के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।